स्वाद अनुसार को सब्सक्राइब करें और सारे नए रेसिपी अपडेट्स के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं स्वाद अनुसार और देसी विदेशी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त, आपका अपना शेफ दीपू। आज हम लोग बनाने वाले हैं कीमा फ्राई फ्रॉम कराची। ये रेसिपी बहुत ही देसी है, लेकिन मैं इसे प्रेजेंट करने वाला हूँ विदेशी स्टाइल में। यहाँ पर हम बनाने वाले हैं चिकन कीमा, लेकिन अगर आपको चाहिए आप मटन कीमा भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन अगर आप मटन कीमा यूज़ करोगे तो उसमें जाएंगे तीन इंग्रेडिएंट्स जो मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। तो ये मेरे पास है चिकन कीमा। सो ये रेसिपी शुरू करने से पहले मैं जलाऊंगा कोयला, बिकॉज मुझे यहाँ पर इसे स्मोकी फ्लेवर देना है। ये कोयला जल गया और अब हम इसमें डालेंगे मसाले। यहाँ पर डालने वाला हूँ धनिया पाउडर, रोस्टेड जीरा पाउडर। जीरे को हम लोग इसलिए रोस्ट करते हैं बिकॉज उसके फ्लेवर्स एनहांस हो जाते हैं। मेरे पास है गरम मसाला, गरम मसाला गया, थोड़ी सी लाल मिर्च। अब मैं यहां पर यूज कर रहा हूं दीगी मिर्च, बिकॉज दीगी मिर्च वो कीमा में लाल कलर देता है जो मुझे बहुत पसंद है। थोड़ा सा और, यहाँ पर जाएगा अराउंड 3 tablespoons ऑफ जिंजर गार्लिक पेस्ट। मेरे पास यहाँ पर है ब्राउन ऑनियन पेस्ट। इसे मैं क्या करता हूँ, जूलियन कट करता हूँ, फ्राई करता हूँ। जब वो ब्राउन हो जाते मिक्सर ग्राइंडर में थोड़े से पानी के साथ मैं इसे पीस देता हूँ। ये गया अराउंड 3 tablespoons ऑफ ब्राउन ऑनियन पेस्ट। और यहाँ पर डालेंगे नमक स्वाद अनुसार, फाइन चॉप हरी मिर्च, ये गया यहाँ पर, और इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर देना है। अगर आपने देखा है मैंने यहाँ पर बीच में खड्डा बनाया, बिकॉज मैं यहाँ पर एक कटोरी रख के कोयला डाल के इस मैरिनेशन को स्मोक करूँगा। ये आपको स्मोक फ्लेयर के अंडर रखना है फॉर 2 hours। मैं इसमें थोड़ा सा तेज पत्ता डालने वाला हूँ और घी, और इसे ढक लूँगा 2 घंटे के लिए। दो घंटे हो गए, मैं इसे यहाँ से निकालता हूँ, गैस ऑन कर दिया और इसमें डालूंगा घी। घी गर्म हो गया और घी की खुशबू बहुत ही बढ़िया आ रही है। ये मैं कीमा इसमें डाल रहा हूँ और इसे मैं अच्छी तरीके से भूनूंगा 5 मिनट के लिए। अब इसमें डालने वाला हूँ 3 tablespoons आटा, बिकॉज मैं इसमें पानी मिलाऊंगा। आटा और पानी इसकी एक कंसिस्टेंसी गाढ़ी कर देगा और ये कीमा बहुत ही डिलीशियस बनेगा, ट्रस्ट मी। इसको एक बार मिक्स कर देता हूँ और इसमें डालूंगा थोड़ा सा पानी। पानी डालने के बाद इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर देना है। गैस को एकदम धीमी आंच पर रखना है, ढक्कन लगा देना है फॉर अराउंड 12 to 15 minutes। जब तक ये पक रहा है मैं आपको बताऊंगा बंस कैसे कट करते हैं, ताकि हम इसे एक विदेशी ट्विस्ट दे सके। मेरे पास यहाँ पर बंस है, आपको क्या करना है, बंस को इस तरीके से यहाँ पर छेद करना है बीच में और इसका बीच का टुकड़ा निकाल देना है। इतनी बढ़िया सी खुशबू आ रही है, आप आइए नज़दीक आइए। ये देखिए कीमा पक गया है, यहाँ इसका ऑयल सेपरेट हो चुका है, इतनी ब्यूटीफुल महक आ रही है मैं आपको क्या बताऊँ। अब डालते मिंट, मिंट को फाइनली चॉप करेंगे। मिंट डालने से इस डिश का स्वाद निखर के आता है। अब डालेंगे थोड़ी सी फ्रेशनेस यानी कि धनिया के पत्ते, इसे भी मैं फाइन चॉप करूंगा। थोड़ा सा मिक्स, क्या खुशबू आ रही है, ये कीमा रेडी हो गया है। अब मैं इसे डालूंगा बंस के अंदर। आपको ये कीमा इस बन में स्टफ करना है, अगर आपको चाहिए इसमें आप चीज भी डाल सकते हो,
चीज़ ऊपर से डालिए और उसे आपको ओवन में डालना पड़ेगा अराउंड 10 मिनट्स के लिए, और दिस विल बी अ चीज़ी कीमा पाव। आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिए, इसके मज़े उठाइए, अपने दोस्तों यारों को खिलाइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जिसका नाम है स्वाद अनुसार, और देखते रहिए देसी विदेशी विद मी शेफ दीपू, ओवर एंड आउट।